सिक्योरिटी चेक पूरे आधे घंटे में क्लियर किया मैंने। भाई टूर्नामेंट का लास्ट मैच शुरू होने वाला है। जय श्री राम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। भाई 18 फरवरी में आपका स्वागत है और आज आपका डायरेक्ट स्वागत कर रहा हूं मैं नोएडा स्टेडियम से। तीसरा दिन है ESL स्नैपड्रैगन प्रो सीरीज के लैन का। पहला दिन हम आए थे, दूसरा दिन हमने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था और जो पॉइंट्स टेबल है ना वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। पहला दिन टॉप कर रही थी ओरांगोटैन, दूसरे दिन पर टॉप पे आ गई है सोल और ओरांगोटैन गेमिंग सिर्फ 2 पॉइंट से नीचे है। और आज बहुत ही ज़्यादा इंटरटेनिंग डे होने वाला है और मेरे हिसाब से भीड़ भी बहुत ज़्यादा आने वाली है आज के दिन, तो वो सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। भाई यहाँ से ही भीड़ बहुत ज़्यादा दिख रही है मुझे, मैं तो इसलिए लेट आया था कि साला सब अंदर चले गए होंगे, लेकिन मैं तो बिल्कुल ऑन टाइम पहुंच गया गलती से। चलो कोई बात नहीं। भाई मुझे लगता है एंट्री शुरू हो गई है। कंपैरेटिवली जो कल और परसों के कंपैरिजन में आज ज़्यादा भीड़ लग रही है, और मैं सोच रहा हूँ इसके पीछे लिख दूँ सब्सक्राइब निर्मित के व्लॉग्स। भाई ये तो है तो एंटिटी गेमिंग का, पर मैं सोच रहा हूँ पीछे लिख दूँ सब्सक्राइब निर्मित के व्लॉग्स। एंट्री हो गई है शुरू, अब चलते हैं अंदर। मैंने चाय पी ली जब तक एंट्री शुरू हुई, मैं बैठ के वहाँ कैंटीन में चाय पीने लग गया था। अंदर का माहौल दिखाते हैं आपको कैसा है, लेट्स गो। भाई बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई है पीछे आते आते। भाई थक गया है क्या है बाबू? बाबू BGMI ना पबजी ना फ्री फायर। भाई बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई है। पहले दिन दूसरे दिन इतनी लंबी नहीं थी, वो आधे में ही मैं घुस गया था, आधे से ही चला गया था। आज तो हल्ला होने वाला बहुत ज्यादा अंदर जाके, लेट्स गो। आज तो फाइनल है भाई। हाँ पहला दिन दूसरा दिन आए थे भाई तुम? नहीं आज आया हूँ, वो भी पटना से आया हूँ देखने। पटना से आया है? हाँ। क्रेज देख रहे हो भाई, पटना से आया बंदा यार। मैं तो यही कहूँ मैं पैदल पैदल आ गया यहाँ से। हाँ पैदल आ गया। अंदर यहाँ पर बॉक्स ऑफिस है, यहाँ से तुम ये ले सकते हो बैंड और ये सब मिल जाएगा तुमको यहाँ से, फिर यहाँ से एंटर कर सकते हैं अंदर। पहले यहाँ पर आता था मैं बैडमिंटन खेलने, अब मैं BGMI देखने आया हूँ यहाँ पे। भाई वो सिक्योरिटी चेक पूरे आधे घंटे में क्लियर किया मैंने, इतनी लंबी लाइन में लगा हुआ था मैं। और आज अपोजिट साइड बैठूंगा भाई, 2 दिन से मैं उसी साइड पे बैठ रहा हूँ साला, उधर कैमरा वाला दिखाता ही नहीं है इस वाली साइड को। इस वाली साइड पे कैमरा वाले ज़्यादा दिखाता है, तो इस वाली साइड पे बैठूंगा। ये भाई मिल गया पटना से आया हुआ, आज मेरे दोस्त नहीं आए, आज का पूरा दिन इसी के साथ निकाल दूंगा, लेट्स गो। मेरे भी दोस्त नहीं आए भाई। इसके दो ये कह रहा है मेरे से, मैं लाइन में लगा हुआ था, कह रहा मेरे से मेरे दोस्त दारू पीने चले गए। क्योंकि बिहार में नहीं मिलती भाई। अच्छा ड्राई स्टेट। चलो भाई चलो लेट्स गो। ऐसी जगह पे बैठा हूँ जहाँ से तेरे को एकदम स्क्रीन दिखेगी। हाँ ठीक। भाई यहाँ से एंट्री है, ये देखो देख उधर खचाखच भर गया है, नीचे चलते है ही नहीं बंदे, देख ले। नहीं 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 नीचे मत जाइए, इधर बैठेंगे, यहाँ से स्क्रीन दिखेगी प्रॉपर। हाँ ये बैठ गया, नीचे ऊपर बैठना। तो भाई हमारी वाली साइड एकदम खाली पड़ी हुई है, यहीं पर देख लो भाई ये स्पीकर भी लगा हुआ है, इससे आवाज़ आ रही होगी तुम लोगों को बहुत तगड़ी। उधर वाली साइड में पूरा भीड़ लग गई है, और यहाँ पर जो हमारे नीचे वाला एरिया है ना वहाँ पर बहुत कम लोग बैठे हुए हैं। नीचे मैं इसलिए नहीं बैठ सकता क्योंकि मुझे गर्दन ऐसे ऊपर करके देखना पड़ता है और मैं देख नहीं पाऊँगा। अभी 30 मिनट बाद एक्शन शुरू होगा, अस्टर्स वहाँ पर बैठते हैं हिंदी वाले, इंग्लिश वाली कॉमेंट्री वहाँ पर हो रही है। और ये सारी चीज़ें मैंने पहले दिन दिखाई नहीं था वहाँ पर, देख रहे हो ये वाली जगह पे इंग्लिश कॉमेंट्री होती है, इस वाली जगह पे हिंदी कॉमेंट्री होती है। और सारे प्लेयर यहाँ पर बैठे हैं, ड्राई रन चल रहा है, सब चेक कर रहे हैं अपने डिवाइसेस। उसके बाद शुरू होगा आज का फाइनल डे, लेट्स गो। आयो पॉइंट्स टेबल में नंबर 3 पे है ना, थर्ड पोजीशन पे वो ये टीम है रेवेनेंट का नाम, और ये नंबर 3 पे है अभी। मुश्किल से 10-20 पॉइंट का फ़र्क है, और क्या पता आज के दिन ये ऊपर निकल जाए, देखते हैं कैसा रहता है, मज़ा आने वाला है, लेट्स गो। वहाँ पर ट्रॉफी भी रखी हुई है तुम देख सकते हो, ये देखो ये ट्रॉफी है यहाँ पर, जो जीतेगा उसको ये ट्रॉफी मिलेगी और बहुत सारे जेब भर के पैसे मिलेंगे। पर ये देख रहे हो ये टीम सोल यहाँ पर डिस्कशन कर रही है कैसे खेलना क्या करना, हडल बना के अपनी स्ट्रैटेजीज डिस्कस कर रहे हैं वहाँ पर। और अगर आज जीत गए तो भाई कोहराम मच जाएगा पूरे स्टेडियम में, अगर टीम सोल जीत गई। Challenge final day, jaisa ki maine kiya tha
और कार्निवल गेमिंग आई है हैशटैग सेकंड दूसरी जगह भाई मिस्टर स्पाइक भी आए हुए हैं देख सकते हो तुम और स्ट्रीम पे भी बोल रहा था कि आऊंगा मैं तो यहाँ पर खड़ा हुआ है तभी तो तू वाले कोच अंदर है और सोल चिल्ला दो भाई मिस्टर स्पाइक आया हुआ दबोच लिया मिस्टर स्पाइक को बंदों ने फोटो वोटो फोटो वोटो कर रहे हैं और ये बेचारा ट्राई कर रहा फोटो की फोटो ले नहीं पा रहा स्पाइक के साथ मैंने ले ली है बट वो क्या अच्छी नहीं आई है बस यही प्रॉब्लम है दो मैच खत्म करके हम बाहर निकल गए भूख लग रही है बहुत तेज और बाहर निकले तो मिस्टर स्पाइक आया हुआ था और तुम्हारे भाई ने तो फोटो खिंचवा ली मिस्टर स्पाइक के साथ एक यूट्यूबर है बहुत बड़ा स्ट्रीमर यूट्यूबर है और बहुत बढ़िया कॉन्टेंट बनाता है यूट्यूब पर मिस्टर स्पाइक तो उनके साथ ले लिया फोटो अब जा रहे हैं भाई कुछ खाने के लिए भूख लग रही है और जब अंदर गए थे तो भाई धूप निकली हुई थी अब बाहर निकले तो बारिश का मौसम हो गया बहुत तगड़ा ठीक है अब जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे भी भीड़ लगी हुई है भाई उसमें तो बहुत ही तगड़ी भीड़ लगी हुई है भूख लग रही है बहुत तेज कैसे हो समझ नहीं आ रही बात भाई इतने हमने ऑर्डर किया और ऑर्डर हमारा बन के आया तब तक हमारा तीसरा मैच भी ख़त्म हो गया हम पहुँच नहीं पाए और तीसरे मैच के बाद हमेशा ब्रेक होता है थोड़ा सा तो अब अंदर जाने का तो कोई फ़ायदा नहीं थोड़ी देर बाहर ही घूमेंगे उसके बाद जब चौथा मैच शुरू होने वाला होगा तब अंदर जाएंगे या फिर अभी चले जाते देख लेते क्या करना है यार लेट्स गो Thank you.
टूर्नामेंट समाप्त हो गया, सब अपने घर भग रहे हैं भेड़ बकरियों की तरह। मैं भी, मेरे को चाय पीने का मन कर रहा है, मैं उससे शिरोज से एक चाय पीऊँगा, उसके बाद वापस घर जाऊँगा अभी, और घर जाके आप लोगों से वापस मिलता हूँ। पटना वाला भाई भी जा रहा है और ये मेरे घर के पास ही रहता है, वहीं बावन में ही रहता है, मतलब अपने भैया के पास रुका हुआ है। मैं भी बहुत देर से ऊबर करने की कोशिश कर रहा हूँ पर ऊबर हो नहीं रही थी, अब ऊबर रैपिडो करी है तो रैपिडो वाला आ रहा है, उसके बाद चलेंगे मम्मी को छोड़ने, मम्मी जा रही है तो रेलवे स्टेशन चलेंगे। पूरी की पूरी भीड़ यहीं लगी हुई है भाई, कुछ ना कुछ करके जा रहे हैं सब। बहुत बढ़िया था आज का जो टूर्नामेंट का फाइनल था ना भाई, बहुत क्रेजी फाइनल था, मतलब मैं तुमको क्या बताऊँ, अभी बताऊँगा। यहाँ से निकलता हूँ क्योंकि मुझे जल्दी घर पहुँचना है इस वजह से। तो दोस्तों निकल पड़े हैं मम्मी को छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन पे, मैं और प्रियांशु, और मम्मी का भतीजा है ये, मेरे मामा का लड़का है विनीत। तो अभी जा रहे हैं मम्मी को छोड़ने के लिए। इवेंट में क्या हुआ मैं तुम्हें क्या बताऊँ भाई, मतलब वो टीम जीत गई जो, मतलब वो टीम जो कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता था कि ये भी जीत सकती है। वैसे तो वो जो सौमराज है IEL एंटिटी का, उसने पहले भी दो तीन ट्रॉफीज़ निकाली हैं, तो ऐसा कुछ वो नहीं है। स्काईलाइट्स गेमिंग से जब वो खेलते थे तब भी वो एक टूर्नामेंट जीते हैं ऑफिशियल BGIS का, और भाई मतलब ऐसा लग रहा था कि OG, OR, सोल इनमें से कोई मतलब बड़ा नाम जीतेगा, पर उन बड़े नामों को पीछे छोड़ के वो जीत गई। और जब स्टेडियम में ऐसी टीम जीतती है ना जिसका कोई नाम ही हूट नहीं कर रहा हो, तो ऑडियंस के मुँह पर एक तमाचा होता है भाई। पर चलो कोई नहीं, बहुत बढ़िया इवेंट था, मज़ा आया। 3 दिन जाके, 2 दिन तुम्हारे भाई ने रिकॉर्ड किया, 1 दिन बस बैठ के एंजॉय किया। फिलहाल जा रहे हैं मम्मी को छोड़ने, मम्मी निकल रही है गंगा सागर, और फिर तुमसे मिलते हैं, लेट्स गो। देखेगा यही है वो औरत जो जा रही है आज घूमने भाई, मम्मी को छोड़ने आए हैं। बहुत तगड़ा हो रखा है रेलवे स्टेशन नई दिल्ली का भाई, बहुत प्यारा लग रहा है भाई वाराणसी। इससे पहले मुझे वाराणसी का जो रेलवे स्टेशन है वो सबसे बढ़िया लगता था, अब ये अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं पहली बार आया हूँ इस रेलवे स्टेशन पे। अभी देखते हैं मम्मी का प्लेटफॉर्म ढूंढते हैं फटाक से, उसके बाद मम्मी को छोड़ते हैं, लेट्स गो। तो भाइयों वापस आ गए हैं घर मम्मी को छोड़ के स्टेशन, रात के बज रहे हैं 12:30, और मेरा एडिट करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन मेरे को एडिट करना पड़ा मजबूरी में, क्योंकि भाई मैं कल की छुट्टी ले चुका था व्लॉग से, मतलब आज मैंने व्लॉग नहीं डाला था, कल मैंने व्लॉग किया नहीं था, आज मैंने व्लॉग डाला नहीं, तो कल मुझे ज़रूर व्लॉग डालना है, इस वजह से मेरे को एडिट करना पड़ा। तो ये सीन था भाई, ये वाला जो इवेंट था ना बहुत ज़्यादा मेमोरेबल रहेगा मेरे लिए, क्योंकि ये मेरा पहला ऐसा इवेंट है जो मैंने पूरा अटेंड किया। एक्चुअली बहुत ज़्यादा मज़ा आया, और हो सकता है होपफुली आगे फ्यूचर में भी मैं, अगर मेरे घर के आसपास ऐसे इवेंट्स होंगे तो मैं ज़रूर अटेंड करूँगा BGMI से रिलेटेड। मैं जिस टीम को एक्चुअली सपोर्ट करता था वो OR, OG या फिर कार्निवल गेमिंग, इन तीनों में से कोई जीतती तो मुझे और ज़्यादा खुशी होती, पर मुझे एक्चुअली एंटिटी की भी बहुत ज़्यादा खुशी है, क्योंकि भाई वो टीम ऐसी थी जो मतलब कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि एंटिटी गेमिंग जीत जाएगी। और एक्चुअली वो ऐसा नहीं कि बिल्कुल गंदा खेल रहे थे, वो भी कंसिस्टेंटली अच्छा ही खेल रहे थे, और top 6 में उन्होंने अपनी जगह बनाई हुई थी, और मतलब बस एक्सपेक्टेशन किसी को नहीं थी उनसे, ये था सीन, क्योंकि कोई नाम ही नहीं ले रहा था कि भाई एंटिटी जीत जाए, या फिर जो उसका IGL है जो पहले जीता हुआ है ऑलरेडी, उसका भी कोई इतना नाम नहीं ले रहा था, ऑल्दो वो फेमस है, लेकिन मज़ा बहुत आया। फिलहाल हम इस वाले व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करेंगे, होपफुली आपको मज़ा आया होगा देखने में। थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग दिस वन गाइज, हम मिलेंगे आपको किसी और तड़कते भड़कते से व्लॉग में। डू हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर इट टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, मिलेंगे आपसे कल, बाय बाय, टेक केयर, पीस गाइज।